हेलो दोस्तों, मैं हर्षल लक्षकार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि क्या पिरामिड टाइप के शेप होते हैं, कौन प्रिज्म टाइप के शेप होते हैं, और सबके हमने एक एक शेप लेकर एक एक शेप वन बाई वन करके हमने उनकी फॉर्मूला मेकिंग सीखी थी। तो दोस्तों, वो वीडियो फॉर्मूला मेकिंग की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाके सबसे पहले इस वीडियो को सीखें तो उससे हमारे आगे के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, हम आप चालू करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर हर एक टॉपिक के मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज। जैसे आज का टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने इसके पिछली वीडियो में इसलिए वो वीडियो बनाई गई थी जिससे आपको ये क्वेश्चन आराम से आ सके। दोस्तों, इस साइड में हमने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हैं। इस वीडियो में हमने 5 टाइप के 5 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऐसे ही हर चैप्टर के लगभग 5-10 क्वेश्चन कहते जाएंगे तो हमारे जो 90+ टारगेट, 95+ मैथ का टारगेट है वो कम्प्लीट हो सकेगा। दोस्तों, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें हर प्रकार का, जितना टफ से टफ आपका लेवल हो सकता है 3D का, उतना बनाया गया है। इन क्वेश्चंस को आप अगर आसानी से समझ के फिर दोबारा करना कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका वीडियो देखना सफल हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं 3D, जो दोस्तों सब लोगों को बहुत टफ लगती है, इतनी टफ जबकि है नहीं, बहुत ही आराम से हम लोग इसको क्रीम बनाते हुए बिल्कुल चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। और दोस्तों, अगर इस क्वेश्चंस की आपको PDF या नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को हैसल लक्षकार सर टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अपनी इंस्टाग्राम पेज लक्षकार क्लासेस को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, इनका एक मैकेनिक्स होता है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते जाएं, आपको डायग्राम दिमाग में बनना चाहिए, डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए टॉय, एक खिलौना, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन माउंटेड ऑन अ हेमी स्फीयर विथ सेम रेडियस। माउंटेड ऑन अ हेमी स्फीयर विथ सेम रेडियस, सेम रेडियस के हेमी स्फीयर पर एक कॉन रखा हुआ है, यानी कि कुछ इस टाइप का, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर और ये हो गया हमारा इसके ऊपर कॉन, तो ये एक प्रकार का खिलौना है। अब वो कह रहा है सेम रेडियस, दोनों की सेम रेडियस हो गई। ये डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज 7 सेंटीमीटर। कॉनिकल पोर्शन का डायमीटर क्या बता रहा है वो, 7 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर, हाफ होती है, यही हेमिस्फीयर की होगी। अब वो कह रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 4.5 मीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट कह रहा है वो 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर जब वो कह रहा है, इसका मतलब है जे 3.5 सेंटीमीटर अगर रेडियस हुई हेमिस्फीयर की, तो जे भी कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर अपनी हेमिस्फीयर में चली गई है, तो कौन में कितनी बची, 3.5 से 4.5 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो जी बन हो जाएगी। ये दोस्तों बड़ा हो गया है डायग्राम, अगर हम इसको कंपैरिजन में बनाएंगे तो ऐसा नहीं बनेगा, जी इतना छोटा सा बनेगा, क्योंकि जी 3.5 नीचे की है और जी ऊपर का बन बचेगा इस कौन की। तो अब वो कह रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय में हमारा क्या क्या आ रहा है, एक हेमिस्फीयर आ रहा है और एक कोन आ रहा है। कोन की हाइट वन बन रही है और हेमिस्फीयर की 3.5 बन रही है, और रेडियस और हाइट सेम होगी हेमिस्फीयर में। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल हो जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या रख देंगे, 1/3 πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या है, ये हेमिस्फीयर 4/3 πr³, याद कीजिए वो होता था पूरे स्फीयर का, हाफ हो जाएगा 2/3 πr³। अब 1/3 देखो, 1/3 π कॉमन है, 1/3 π कॉमन ले लिया है, r² की वैल्यू ये किसका है, कौन का सेम है 3.5, देखो r² भी कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर ले चलते हैं, r² यहाँ पर क्या बचा, h प्लस 1/3
टू निकल गया, पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, तो आर यहाँ पर रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे 22/7 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5, एच अपना एच था टॉय का 1 सेंटीमीटर, 2R, 2 मल्टीप्लाई R 7 सेंटीमीटर, 3.5 इंटू 2, 7 से सब ये हो गया 0.5, और मल्टीप्लाई कहते जाएंगे 22/5 110 11 हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई यहाँ से कितना आएगा 8/3, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय आ जाएगा। दोस्तों वीडियो बड़ी ना बनाते हुए इसलिए मैं कैलकुलेशंस आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद आराम से कैलकुलेशन कीजिए, आप लोगों को इसके आंसर अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से मैच कीजिए। तो बढ़ते आगे, आप लोगों इसकी मैकेनिक समझ में आ गई होगी। वो कह रहा था कि एक टॉय है, नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन है, तो कोन पूरा टोटल कह रहा था हाइट 4.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 चली गई हेमिस्फीयर में, तो बची 1 सेंटीमीटर जी कोन में हो गया। कोन के लिए 1/3 πr² लगाया, इसमें 2/3 πr³ लगाया, दोनों का ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय आ गया है। ये सबसे इजी क्वेश्चन सबसे पहले रखा गया था, अब इसके बाद हमारे लेवल बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ने के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। हमारा ये कंप्लीट हो गया है, कुछ नहीं था इसमें, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ सर्कुलर टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कॉनिकल अबव इट, मतलब एक सर्कुलर टैंक है, सिलेंड्रिकल बढ़ रहा है, सिलेंड्रिकल कहाँ तक है, अप टू हाइट 3 मीटर, 3 मीटर तक सिलेंड्रिकल है, एंड कॉनिकल अबव, इसके ऊपर क्या है, कॉनिकल है, मतलब इसी टाइप का कुछ शेप बनेगा, बस इसमें नीचे क्या होगा, नीचे होगा इसमें सिलेंडर। अब वो कह रहा है सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंडर 3 मीटर की हाइट तक, 3 मीटर की हाइट तक, इसके ऊपर कौन, इसके ऊपर कौन बना दिया। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कौन एंड द सिलेंडर इज 105 मीटर, 105 मीटर क्या है उसका डायमीटर कौन का और सिलेंडर का, मतलब इतना दिया गया 105 मीटर, डायमीटर पूरा होता है, रेडियस आधी होती है। एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 53 मीटर, स्लेंट हाइट हमने पिछले डायग्राम पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को 53 मीटर। फाइंड द टोटल कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, पूरा कैनवास बताना है, कपड़ा बताना है जो टेंट को बनाने के लिए लगेगा। अब आप खुद सोचिए कि हमारा कपड़ा कहाँ लगेगा, इसके कर्व सरफेस में लगेगा और इसके कर्व सरफेस में लगेगा, मतलब टोटल कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस अपना कौन का कर्व सरफेस एरिया, तो इसका होता है 2πrh, इसका होता है πrl, l की वैल्यू दी गई है, r की वैल्यू दी गई है, h की वैल्यू दी गई है, तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ एरिया निकालना है कैनवास का, कैनवास कहाँ लपेड़ा जाता है, कर्व सरफेस पर, ये तो नहीं नीचे बिछा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ लगा, सिर्फ अपना कर्व सरफेस पे लगेगा, तो कैनवास का एरिया, टोटल कैनवास एरिया क्या हो जाएगा अपना 2πrh, इसमें आप लोग लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। हम दोस्तों डायरेक्ट बताएं जिससे वीडियो आपकी बड़ी ना हो, आपका टाइम बेस्ट ना हो, आपके समय से ज्यादा कोई भी चीज जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से क्लास 10th में आ गए तो आराम से आप लोग ऊपर की लैंग्वेज लिख ही सकते हैं कि हमारे पास वी हैव अ सिलेंड्रिकल पोर्शन अप टू द 3 मीटर हाइट एंड द सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल पार्ट विथ 53 मीटर स्लेंट हाइट एंड नाउ वी फाइंड द कैनवास एरिया फॉर मेकिंग द टेंट, देन द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कैनवास एरिया इक्वल्स टू 2πrh प्लस के पाई आर एल, 2πrh में आप कॉमन ले लीजिएगा, पाई आर आर दोनों की सेम होगी, कॉमन लेने से क्या होता है दोस्तों, हम ना मल्टीप्लाई
बच जाता है टू, यहाँ पर पाई आर कॉमन लिया तो 2h प्लस एल बचा है पाई 22 अपॉन 7 आर 105 अपॉन 2 आदि हो गई। 2h मतलब ये h है, 2 मल्टीप्लाई h हो जाएगा 6 प्लस एल 53 हो जाएगा, इसको ऐड कह दीजिए 7 से, ये सबट्रैक्ट वो हो जाएगा डिवाइड, कितने टाइम हो जाएगा 15 टाइम, ये 11 टाइम हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई कीजिए 165 आएगा, मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 प्लस 53 कीजिए तो 59 आएगा, इसका मल्टीप्लाई जो होगा वो कितने मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये क्या है एक प्रकार का एरिया है, ये नहीं भूलिए कि वॉल्यूम में अपना पिछले में सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आना था, इसमें सब मीटर में है तो हमारा मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ये बात ध्यान रख दी कि अपन को यूनिट एक सी रखनी है, ये नहीं कि हमने यहाँ की रेडियस की यूनिट मीटर रख दी है उसकी यूनिट सेंटीमीटर रख दें, अगर सेंटीमीटर में चल लेना है तो सेंटीमीटर में बदलो सबको, मीटर में चलना है तो मीटर में बदलो। अब क्वेश्चन पूछते हैं इसी के आगे कि इतने पर मीटर स्क्वायर के कैनवास का अपना क्या है कॉस्ट है, तो जितने भी मीटर स्क्वायर कैनवास अपन को रिक्वायर्ड होता है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट का, तो अपने कॉस्ट का आंसर आ जाता है, सीधी सी बात है। अब एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि ये कपड़ा इतने मीटर स्क्वायर है, उसने कह दिया कि एक कपड़ा हमारा 5 मीटर वाइड है वो कितनी लंबाई का कपड़ा लग जाएगा, 5 मीटर वाइड मतलब कहीं से ले रहे हो उसकी चौड़ाई 5 मीटर दी गई है और वो कह रहा है कितने मीटर, ये चीज पूछ ली गई है, ये 5 मीटर दी गई है तो क्या होगा इसका एरिया इक्वल कह दोगे तो कैनवास का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ कह दोगे तो अपने लंबाई पता पड़ जाएगी, फिर वो और आगे पूछ लेता कि पर लंबाई इतने रुपए लग रहे हैं, तो और आगे उसकी हम प्रोसेस अगले क्वेश्चन में देखेंगे कैसा है। अगला क्वेश्चन भी देखो सेम जो हमने समझा है भाई कॉन्सेप्ट पर है, ए 5 मीटर वाइड क्लॉथ, 5 मीटर वाइड क्लॉथ है दोस्तों, ये इरेज कर रहे थे, आई होप आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कैसा भी डायग्राम आ जाए इसके ऊपर टोपी रख दें, नीचे बॉल रख दें, कटोरा बना दें, कुछ भी बना दें, आपको सीधे उड़ाते हुए जाना है और कुछ नहीं कहना है, आपको फॉर्मूले पता है कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, अ 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, अब वो 5 मीटर वाइड क्लॉथ लिए है और उसे बनाना है एक कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, कॉनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर 40 मीटर, बेस का डायमीटर उसने कितना दे दिया 14 मीटर का टेंट बनाना है, हाइट 24 मीटर, हाइट दे दी उसने 24 मीटर, ये चीज दे दी है उसने 24 मीटर में है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड एट ली एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर, वो कह रहा है कि कॉस्ट चाहिए जिस क्लॉथ से आप बना रहे हैं उसकी रेट है उसका ₹25 पर मीटर के हिसाब से, अब ये क्या लफड़ा है भाई, हमने तो पढ़ा था कि मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए कॉस्ट, आप लोग खुद सोचिए उसने पहले से दिया गया है कपड़े की चौड़ाई 5 मीटर है, कपड़े की चौड़ाई को घटा बढ़ा नहीं सकते हो, कपड़े की चौड़ाई जैसे कोई जाते हैं रेडीमेड स्टोर पर थान से कपड़ा कटवाते तो वो एक लंबाई तो फिक्स रहती है, हम लोग ऐसी लंबाई में कटवाते हैं, एक लेंथ एक डायमेंशन उसकी फिक्स है, अब आप लोग दिमाग लगाना है, अगर ये चीज़ नहीं दी जाती तो क्लॉथ का एरिया पर मीटर स्क्वायर में कॉस्ट दी जाती, आपको पर मीटर में कॉस्ट दी गई है मतलब एक लेंथ एक डायमेंशन दी गई है कपड़े की, हमें जे डायमेंशन निकालनी है, मतलब क्या होगा कपड़े का एरिया और इसको बनाने के लिए किस पे लगाओ, कर्व सरफेस पे टोटल सरफेस पे, भाई नीचे जमीन तो है यहाँ पर नहीं लगाओगे, अब हम लोग लगाएंगे टेंट में कैनवास लगाते हैं कर्व सरफेस पे, कर्व सरफेस में लगाएंगे तो इसके कर्व सरफेस एरिया इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस इसके, इससे हमें जे बनाना है, अब इसकी लंबाई पता नहीं है तो तुम लोग क्या करोगे, हम लोग एरिया पहले तो लेंथ निकालेंगे जब ही तो कॉस्ट आएगी, एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल हो जाएगा सीएसए ऑफ कौन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, कर्व सरफेस आपको पता है पाई आर एल से निकलता है, अब एल नहीं है हमारे पास, एल कैसे निकालो, जे 24 है, जे कितनी हो जाएगी 14 है तो जे 7 हो जाएगी, यहाँ पर क्या लग जाएगी पाइथागोरस,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 7 का 49, 24 का 576 दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 ये हो जाएगा 50 जोड़ो 575 में 625, मतलब ये 25 के स्क्वायर, तो आपकी एल आ गई है 25, एल 25 है तो पाई आर एल यहाँ पर हो जाएगा। इसकी लेंथ ऑफ क्लॉथ मल्टीप्लाई अपना ब्रेथ, लेंथ हमको फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमको 5 दी गई है, पाई 22 अपन 7, आर रख दोगे 7 और एल रख दोगे 25। दो डाटा भी इतना इजी बना के दिया है कि आराम से हो जाए, 7 से 7 कट जाएगा अपना, लेकिन 22 मल्टीप्लाई 25, 22 2 मल्टीप्लाई 11, 25 2 जा 50, 50 मल्टीप्लाई 11 550 आ गया, 5 यहाँ पर है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, एल इक्वल आ गया 110 मीटर, मतलब 5 मीटर चौड़ाई का 110 मीटर तक का अपना कपड़ा लग सकता है। जब 110 मीटर का कपड़ा लगेगा और कॉस्ट है इसकी 25 पर मीटर है, तो 25 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो कितना आ जाएगा, 527 200, इतने रुपये आपका खर्चा होगा। कॉस्ट अलग से नीचे निकालोगे, हमने डायरेक्ट बता दिया कॉस्ट क्या हो जाएगी, लेंथ मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर, इतने मीटर तो 110 मल्टीप्लाई कॉस्ट कितनी हो गई 25, इसका मल्टीप्लाई करोगे 11 5 55, 11 2 257, इतने रुपये आपके लग जाएंगे इसके कपड़े बनाने के लिए। हमको मीटर में फाइंड करना था, मीटर में आपका आ चुका है। तो आपको लोगों को दोस्तों आई होप आपको एंजॉय हो कर रहे होंगे, क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहे होंगे, जहां समझ में नहीं आ रहा वीडियो को रोकिए, कायदे से नोट कीजिए, क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन है, आप क्वेश्चन सॉल्यूशन आप आराम से देख सकते हैं। जहां पर भी अगर हमारी कुछ गलती है तो आप कमेंट में लिखिए, आपकी अगली वीडियो में आपके सुधार किया जाएगा। और अगर हमारे पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, टीचिंग मेथड अच्छी लग रही है, तो दोस्तों लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्वड आउट। कार्वड आउट किसको किया जाता है, कार्वड आउट किसको किया जाए, लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर, स्फीयर को उकेला जा रहा है, कहाँ से उकेला जा रहा है, वुडन सॉलिड क्यूब से, मतलब एक क्यूब है उससे स्फीयर को निकाला जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसको छांट पीट के आपका एक स्फीयर बनाया जा रहा है, 7 सेंटीमीटर का क्यूब है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बुड लेफ्ट, मतलब जब अपने उसको निकाल लिया है, एक गोले को बना लिया है, बड़े से बड़े पॉसिबल गोले को निकाल लिया है, तो बची हुई लकड़ी का हमें वॉल्यूम चाहिए। बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम कैसे आएगा, हमारा एक सॉलिड है क्यूब है, उसमें से हम लोगों ने क्या बनाया है, एक स्फीयर बनाया, तो कोने कोनों की लकड़ी छट गई होगी, वो बची हुई की चाहिए, मतलब क्यूब के वॉल्यूम से अपन लोग स्फीयर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4th की बात कर रहे हैं कि एक सॉलिड क्यूब है, ये सॉलिड क्यूब है, इसके अंदर एक स्फीयर को निकाला जाए, इसकी 7 सेंटीमीटर क्या है, डायमेंशन है, सभी जगह 7 होगी। अब एक स्फीयर को निकाला जा रहा है तो लगभग लगभग वो सभी सरफेस को छुएगा, तो ये कोने का अपना, इस कोने की लकड़ी, इस कोने की लकड़ी, ये क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, इसी वेस्ट का हमको वॉल्यूम चाहिए। जब वुड लेफ्ट का वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट जो बची हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ए क्यूब क्या है, अब आर सबसे, ए तो हमें पता है 7 का क्यूब है, माइनस 4/3 22/7, अब आर क्या रखें, लफड़ा हो गया भाई, आर क्या रखोगे, देखो जे अपना
स्फीयर है, अगर इस लेंथ को मिला दिया जाए तो जे इसका डायमीटर है और जे डायमीटर इस लेंथ के बराबर होगा मतलब 7 की, या ऐसे में डायमीटर बनाए तो जे 7 इसके बराबर होगा मतलब 7 का हाफ, जो इससे बड़े से बड़ा स्फीयर निकलेगा उसका डायमीटर इसकी एज के बराबर होगा, इसकी आर्क के बराबर होगा, इसकी 7 सेंटीमीटर एज है तो इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, जब डायमीटर 7 है तो 7/2 3.5 मीटर इसका सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई रेडियस 7/2 का क्यूब। इतना आप लोगों को दोस्तों सॉल्व करना, 7 का क्यूब 343 माइनस 4 का मल्टीप्लाई कह देंगे कितना हो जाएगा 88 अपन 7 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3.5 का क्यूब। इतना सॉल्व करने के बाद आपका एलसीएम लेने के बाद सब कुछ करने के बाद क्या आ जाएगा अपना जो लकड़ी बची हुई है उसका आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा, कैलकुलेशन आराम से कर लीजिए, क्वेश्चन के आंसर आप लोग मिला लीजिएगा ग्रुप से। इसका हो गया सॉल्यूशन ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, ज्यादा टाइम ना लेते हुए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें 150 मतलब 150 स्फेरिकल मार्बल्स, स्फेरिकल मार्बल्स मतलब कंचे, आपके 150 बॉल्स छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, सबकी रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है, आई ड्रॉप्ड इन अ सिलेंड्रिकल बेसल, को डाला गया है एक सिलेंड्रिकल बेसल में, मतलब एक बेसल मतलब पात्र, एक बर्तन है सिलेंड्रिकल टाइप का और उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसको कुछ बनाते हैं, क्योंकि बिना बनाए तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में भी कलयुग का टाइम है, बिना बनाए तो कुछ होता नहीं है। तो 3D है ये, तो कैसे बात बन जाएगी, तो 3D को बिना बनाए नहीं आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, कोई काम निकालना होता है तो किसी को बनाना पड़ता है, इसलिए हम 3D को भी अब बनाएंगे। 3D को बनाने के लिए हमको पता है 150 बॉल्स हैं, स्फीयर हैं 150, इनकी रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर, इनका मल्टीप्लाई 150, ऐसी 150 बॉल्स हैं बहुत सारे, इनको डाला जा रहा है एक सिलेंड्रिकल बेसल में। अब सिलेंड्रिकल बेसल में पानी भरा है कुछ, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस सिलेंड्रिकल बेसल का रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया, 7 सेंटीमीटर हाँ, कंटेनिंग सम वाटर, कुछ वाटर हमने भर दिया है, ये क्या भर दिया हमने वाटर। अब इनको 150 की रेंज में 150 बॉल्स इसमें डाल दी गई, तो पानी का लेवल क्या होता यहाँ तक था, तो पानी का लेवल समझ लिया हमने, जे बढ़ गया, यहाँ पर बॉल पहुँच गई है 150 पहुँची है, बना नहीं सकते हैं लेकिन आप लोग समझ जाइए, तो पानी का लेवल अपना इतना बढ़ गया, मतलब एच हाइट मान ली कि एच हाइट बढ़ गई है। कंटेनिंग सम वाटर विच आर कम्प्लीटली इमर्ज, हमने इन सबको इमर्ज कर दिया, इन सबको अंदर डाल दिया है। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन वेसल, हमें ये बताना है कि जो पानी का लेवल बढ़ेगा वो कितने सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, तो हम लोग कैसे बताएंगे। अब अगर हमने इनका एक का कुछ वॉल्यूम होगा, इसका जितना वॉल्यूम होगा वो इसके अंदर उतना ही वॉल्यूम घेरेगी, जब ऐसी 150 बॉल्स को डाल दिया जाएगा अंदर, तो उनका एक के वॉल्यूम में 150 का मल्टीप्लाई उतना वॉल्यूम अंदर कवर कर लेंगी, और इसमें कुछ वॉल्यूम का वाटर था, इनको डालने पर वो कुछ ऊंचाई तक उठ गया, अगर वो एच ऊंचाई तक उठा तो इस एरिए का वॉल्यूम, इस एरिया इतना एरिए का वॉल्यूम अपनी इन 150 बॉल्स के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। जब हमने इनको डाला तो अपना जगह छोड़ के वॉटर ऊपर चला गया, अब वॉटर ने कितनी जगह छोड़ी होगी, जितनी इन लोगों ने कवर की होगी, इन लोगों ने कितनी कवर की होगी अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कवर की होगी, इनका एक का वॉल्यूम इतना है तो 150 का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही लेवल उतना ही वॉल्यूम ऊपर पानी उठ गया होगा। अब जो वाटर लेवल ऊपर उठा है, अगर वॉल्यूम ऑफ रेज वाटर, जो रेज किया है ऊपर उठाया वाटर, इसका इक्वल कह देंगे 150 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ
वन स्फेरिकल मार्बल। बात समझ में आ गई होगी आपको, मतलब जे जितनी जगह घेरेंगे उतना ही पानी ऊपर उठ जाएगा, उतने ही वॉल्यूम का पानी ऊपर हो जाएगा, उतने ही वॉल्यूम का पानी ऊपर उठेगा। तो 150 एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाई 150 बराबर अपना वॉल्यूम ऑफ रेज वाटर। अब जो पानी का वाटर लेवल ऊपर उठेगा वो किस में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा कि और किसी शेप में, लिक्विड है जिस शेप में है उसी में होगा। मतलब जो वाटर उठ गया ऊपर उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है, पाई रख देंगे, आर स्क्वायर में 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर रख देंगे, 7 का स्क्वायर। एच हमें फाइंड करनी है, 150। अब वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब इसकी 1.4 का मल्टी का क्यूब जो हो जाएगा पाई आर क्यूब। अब समझना है आपको बहुत आराम से, दो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा इसलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी थी। 7 का स्क्वायर हो गया 49 मल्टीप्लाई एच इक्वल हो जाएगा 3 से 50 टाइम 54 या 200 1.4 इंटू 1.4 का स्क्वायर 1.96 लिख दे रहे हैं क्योंकि मैं क्यूब तो आता नहीं है, हम लोगों क्या आता है स्क्वायर तो आते हैं कम से कम आपको 30 तक स्क्वायर तो याद होने चाहिए और 15 तक क्यूब भी होने चाहिए। 1.4 इंटू 1.96 लिख दिया, जे 49 है जे भी 7 से होगा कटेगा जे भी 7 से। और एच को यहाँ पर कह दें, इन दो जीरो को किसे दे दें, इसको दे दिया हमने, इसको दो टू ए टू पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, ये टू बचेगा ये 28 हो जाएगा। समझ में आता है, कैलकुलेशन इजी बना रहे हैं। दो जीरो को इनको दे दिया तो पॉइंट गायब, दो को इससे दे दिया 2.8, 49 नीचे इसे क्यों दिया था डायरेक्ट 49 से कट हो जाएगा, 4 टाइम 20 मल्टीप्लाई 8 80, 8 फोर 32, 80 32 112। सीधी से आपको मल्टीप्लाई करना है 848 जा 32, 342 जा 8 और 311 फिर पीछे आ गया एक पॉइंट एच आ गया इतने सेंटीमीटर। मतलब इतने जब आप 150 बॉल्स को इस वॉल्यूम वाटर में डालोगे तो इतने सेंटीमीटर के हाइट तक पानी बढ़ जाएगा। मतलब कितना बढ़ गया, 11.2 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया क्योंकि इनको हमने ये डाल दिए हैं, इन्होंने एक वॉल्यूम घेरा, एक ने जितना वॉल्यूम घेरा मल्टीप्लाई 150 ने घेरा, 150 ने जितना घेरा उसकी वजह से पानी अपनी जगह छोड़ के ऊपर गया, जितना इन लोगों ने वॉल्यूम घेरा उतना ही पानी ऊपर जाएगा, उतनी वॉल्यूम का पानी ऊपर जाएगा। इनका वॉल्यूम और रेज वाटर का वॉल्यूम इक्वल कह देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। मतलब आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही हम कहें कि हमने बहुत सारी बॉल्स एक बॉल्स को पिघलाया, बहुत सारी बॉल्स बना ली और हमने इसकी रेडियस दे दी, इसकी डायमेंशन दे दी, हमने कहा कितनी बॉल, कितनी नंबर ऑफ बॉल्स बनी, सीधी सी बात है नंबर ऑफ बॉल्स मल्टीप्लाई एक बॉल्स का वॉल्यूम उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग इक्वल के बिगर बॉल का वॉल्यूम, आप डिवाइड दे देंगे उस साइड चला जाएगा बिगर बॉल का वॉल्यूम अपॉन स्मॉल बॉल का वॉल्यूम। सीधी सी बात है आपको इक्वेशन उसके कॉन्सेप्ट के अनुसार बनानी चाहिए। कभी भी एक चीज को पिघला कर दूसरी चीज बनाएंगे तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहेगा, कैनवास चढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया पे चढ़ाएंगे, होलो सिलेंडर होगा तो उसमें विड्थ देखी जाएगी, विड्थ उसकी चौड़ाई देखी जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए 3D में। 3D के पढ़ने से हम लोगों को दो जगह मदद मिलती है, एक तो फिजिक्स में भी आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बनता है आगे 11th क्लास में। तो दोस्तों आई होप आपको मजा आया होगा, इन क्वेश्चंस में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आराम से, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं। और आगे आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग डाल सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, पर्सनली टेलीग्राम कह सकते हैं, आप लोगों को पर्सनली हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। और जहां आप वीडियो में सुधारना चाहते हैं यानी कि एक हफ्ते में कितनी वीडियो चाहते हैं, पर डे चाहते हैं वीडियो, और किस टॉपिक पर चाहते हैं और बता सकते हैं। हम लोग पहले मैथ के हर एक टॉपिक के कम से कम 5-10 क्वेश्चन कर्व की सीरीज लेकर चल रहे हैं। ये सीरीज खत्म हो जाने के बाद एक आध महीने में ये सीरीज खत्म होगी, इसके बाद हम लोग और कोई सब्जेक्ट भी आपका देख सकते हैं जैसे कि साइंस हुई, SST हुई और कोई सब्जेक्ट देखेंगे। पहले हमारा मेन फोकस है मैथ का, तो मैथ आप लोग सॉल्व कीजिए और बिना मेहनत किए कुछ हासिल नहीं होता है। तो दोस्तों आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों से भी मेहनत कराऊंगा।
इस क्वेश्चन के बाद आप लोग पूरी 3D की दो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, वो लोग वो कवर कर लेना, और बहुत अच्छे से समझाया गया, विथ डायग्राम आपको समझाया गया। अगर आप ऐसा डायग्राम बना देंगे बोर्ड एग्जाम में, ऐसा लिख देंगे, थोड़ी लैंग्वेज लिख देंगे, तो आई हो बिल्कुल इंस्पायर इंप्रेस हो जाएगा चेक करने वाला, आपको फुल मार्क्स में फुल मार्क्स दे देगा। तो दोस्तों अगर साउंड प्रॉब्लम है, कोई वीडियो प्रॉब्लम है, बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो दोस्तों लेते हैं अलविदा, कल आपको और वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू यहाँ तक आप देखने के लिए, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों।